टेंपर पलटा, दो लोगों के दबे होने की मिली सूचना। बुलंदशहर से खबर, दो लोगों के दबे होने की मिली सूचना। सूचना पर मौके पर पहुंचा भारी पुलिस बल, पुलिस ने घायल को पहुंचा अस्पताल। पुलिस ने आनन फानन में एम्बुलेंस, क्रेन और जेसीबी मंगाई। क्रेन की मदद से ट्रक को किनारे किया गया। सिकंदराबाद की ईदगाह के पास की यह घटना बताई जा रही। हाईवे पर रोड़ी से भरा डंपर पलटा, क्रेन की मदद से ट्रक को किया गया किनारे। सिकंदराबाद की ईदगाह के पास की यह घटना बताई जा रही। बुलंदशहर से खबर, हाईवे पर रोड़ी से भरा डंपर पलटा, दो लोगों के दबे होने की सूचना मिली और मौके पर भारी पुलिस बल पहुंचा। सूचना पर मौके पर पहुंचा भारी पुलिस बल। और लखनऊ से आपको खबर बता देते हैं, पति ने उतारा पत्नी को मौत के घाट। लखनऊ से खबर, पति ने उतारा पत्नी को मौत के घाट। मायके वालों ने ससुरालियों पर लगाया दहेज हत्या का आरोप। सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची। काकोरे पुलिस ने पति को लिया हिरासत में, पति ने उतारा पत्नी को मौत के घाट। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। आगे की जांच में जुटी है पुलिस। काकोरी थाना क्षेत्र के शाहपुर गांव के अंतर्गत का यह मामला बताया जा रहा है। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। आगे की जांच में जुटी है पुलिस। लखनऊ से खबर, पति ने उतारा पत्नी को मौत के घाट। सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची। और कानपुर देहात से आपको खबर बता देते हैं, जहां पर दबंगों के हौसले लग